हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट कोरमा। तो इंस्टेंट कोरमा बनाने के लिए देखिए, मैंने चिकन लिया है 1 किलो, जो शादियों और दावतों में बनता है ना, वो वाला कोरमा बनाएंगे और इंस्टेंट बनाएंगे, जो बहुत जल्दी तैयार होगा। तो उसके लिए देखिए, 1 किलो चिकन है, ये कुछ मसाले इसमें ऐड करूंगी मैं, और थोड़े से ये साबुत खड़े मसाले। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और आपको बताती भी जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐड करूंगी मैं ये 1 नींबू का जूस। तो ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो नींबू ऐड कर दिया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी 2 चम्मच। और अब इसमें जाएंगे पाउडर मसाले, जो कि ये देखिए नमक है 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और ये 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं इसमें। और ये 1/4 टीस्पून है फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें, पर इसे कलर थोड़ा सा देखने में अच्छा हो जाता है। और अब ये कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये कुछ लौंग है। मेरे पास दालचीनी ख़त्म हो गया है, आपके पास हो तो उसे भी ऐड कर दें इसके। और अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी मैं, वो है दही। दही कम से कम 200 ग्राम इसमें जाएगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से मैश कर दिया मैंने हाथ से, और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, कोरमा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने ये कोरमे को मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को, सारे मसाले वगैरह लगा के, तो 1 घंटा हो गया लगभग। और ये मैंने लिए है 5 प्याज। और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो हम इंस्टेंट कोरमा बना रहे हैं, तो इसलिए हम बनाएंगे इसको कुकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें लिया है लगभग 6 टेबलस्पून ऑयल, जो कि अच्छे से हीट हो चुका है। और अब मैं इसमें अनियन फ्राई करूंगी। ये 5 अनियन थे जिन्हें मैंने स्लाइस किए हैं। देखिए, अनियन हो गई ब्राउन, इसको मैं सारा निकाल लेती हूँ वापस उसी प्लेट में। तो अनियन सारी निकाल दिए बाहर, अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो फ्रेंड्स, इसमें से थोड़ा जो मसाला लगा होता है खंगाल के, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको ढक के सीटी लगा लेंगे, 2 सीटी के बाद फिर इसको खोल के भूनेंगे। तो मिलते हैं 2 सीटी आने के बाद। तो देखें, 2 सीटी आने के बाद मैंने अभी स्टीम रिलीज हो गया कुकर का, तो खोला है और ये चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और अब इसको मुझे भूनना है। तो जब तक ये सारा पानी खुश नहीं हो जाता, तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये अच्छे से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें जो अनियन ब्राउन करके निकाला था, इसको मैंने ग्राइंडर में एक बार चला दिया है, ठीक है, इसको ऐड कर दूंगी। ये देखें, इससे इसका टेक्सचर जो है वो एक बहुत दानेदार सा हो जाएगा, जो मेन कोरमे का होना चाहिए। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी मलाई, फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं आप, मेरे पास ये दूध की मलाई है, ये ऐड कर दूंगी।
और इसको कुछ एक डेढ़ मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए ये भुन गया है, ऑयल आ गया, सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें जितनी आपको ज़रूरत हो। वैसे तो कोरमा जितना ज़्यादा ड्राई हो वही अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हमारे घर में चलता नहीं है बिना ग्रेवी के, तो थोड़ी सी ग्रेवी तो मैं रखूंगी। ये देखें बिल्कुल दानेदार ग्रेवी बनके तैयार हुई है। तो देखिए कोरमे का क्या कलर निकल के आया हुआ है। और इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा ऐड कीजिए। मैं भी थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है और कोरमा हमारा बनके तैयार है। देखिए दानेदार टेक्सचर आ गया है इसका। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये कसूरी मेथी लगभग एक चम्मच फाइनल, और एक ढक्कन केवड़ा वाटर। और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो दो तीन बूंदे ही डालें, इससे ज्यादा डालेंगे तो खाया नहीं जाएगा। फ्लेम कर दूंगी ऑफ और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल। फ्रेंड्स फाइनली मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कोरमे का टेक्सचर कितना मस्त बन के तैयार हुआ है हमारा कोरमा, और बहुत ही जल्दी इंस्टेंट कोरमा कुकर वाला। तो फ्रेंड्स फाइनली कोरमा बन के तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।